नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ का प्रॉब्लम सेट 36। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म एंड रीड देम अलाउड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन क्या दिया है, देखिए इसको कैसे आपको पढ़ना है, 3 integer 9 by 10। क्या पढ़ेंगे आप, देखिए 3 integer 9 by 10 या फिर 9/10। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसे हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन है 3 integer 9 by 10। अभी आप इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए आप क्या करिए ना, 10 का मल्टीप्लाई 3 में करिए। कैसे करना है, देखिए 10 को आप यहाँ पर लिखिए, फिर इनटू करिए, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, और ये जो 9 है ना, आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर प्लस करना है, तो यहाँ पर लिखिए +9/10। क्या बोला मैंने, देखिए एक बार फिर से 10 into 3, मतलब हमने क्या किया, 10 का मल्टीप्लाई 3 में किया। ठीक है, और फिर यहाँ पर +9, 9 कहाँ से आया, ये देखिए यहाँ पर है ना, तो हमने इसको यहाँ पर लिखा। अब 10 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, फिर +9/10। अभी आप प्लस करिए 30 और 9 को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 39/10। अब देखिए इसमें पॉइंट कैसे हम लगाएंगे, यहाँ पर देखिए नीचे आप देखेंगे तो कितना ज़ीरो है, एक ही ज़ीरो है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए ये इसको तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर क्या है 3 और 9 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर कितना ज़ीरो है, एक ही ज़ीरो है, मतलब एक नंबर के बाद आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो देखिए पीछे से आप देखिए, यहाँ पर ये एक नंबर हो गया ना 9, तो अभी 9 के बाद ना यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए। अगर यहाँ पर 2 0 रहता तो फिर आप 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाते, लेकिन यहाँ पर एक ही 0 है ना, तो फिर हमने क्या किया, एक नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकेंड वन है 1 integer 4/10। हम क्या करेंगे, देखिए 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और यहाँ पर +4 कर देंगे, तो चलिए हम करते हैं, देखिए 10 into 1 + 4/10। अभी 10 1 10 + 4/10, 10 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14/10। अब बताइए पॉइंट कहाँ पर आएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या है, 14 है, तो इसको आप यहाँ पर पहले लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितना ज़ीरो है, एक ही ज़ीरो है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, एक नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो पीछे से आप काउंट करिए 1, यही हुआ ना, अभी इसके बाद आप यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड वन क्या है, 5 integer 3 by 10। क्या करेंगे हम, 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, +3 कर देंगे, तो करिए यहाँ पर 10 into 5 + 3/10। अभी 10 5 50 + 3/10। अब दोनों को ऐड करिए, 50 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 53/10। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, 53 है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। अभी पॉइंट कहाँ पर लगाना है, एक नंबर के बाद, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना ज़ीरो है, एक ही ज़ीरो है, तो पीछे से आप काउंट करिए 1, हो गया ना, अभी आप यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए फोर्थ वन क्या दिया है, 8/10, तो ये तो बहुत ही ईजी है, देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ पर ही हम फोर्थ वन भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 8/10 है ना, तो आप ना यहाँ पर 8 लिखिए। अभी देखिए यहाँ पर कितना ज़ीरो है, एक ही ज़ीरो है, मतलब पॉइंट हमें एक नंबर के बाद लगाना है, तो यहाँ पर तो एक ही नंबर है ना, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0.8। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिफ्थ वन है,
यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम इसको भी, 7/10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 है तो हम इसको लिख लेते हैं। अभी यहाँ पर कितना ज़ीरो है, एक ही ज़ीरो है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, एक नंबर के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर हम ज़ीरो लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, 0.7। तो ये देखिए पूरा, और ये कितने क्वेश्चंस थे यहाँ पर, 5 क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। देखिए